हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो अभी हो रहे हैं 11:30। गुड मॉर्निंग तो कब का हो चुका है। मैं जो है थोड़ा सा चाय बना रही हूँ और साथ में बनाऊंगी आलू का पराठा। और सब लोग जो है जा चुके हैं, निशु स्कूल जा चुका है, सब लोग अपने अपने काम पे निकल चुके हैं और मैं बना रही हूँ चाय और आलू का पराठा खाऊंगी। उसके बाद आज जो है थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है क्योंकि आज ऑर्डर जो है बहुत ज़्यादा है मेरे पास। तो सबसे पहले मैं उन ऑर्डर को कंप्लीट करूँगी। तो घर का सारा काम निपट गया है, सारे बर्तन धुल गए हैं और चाय नाश्ता एक बार हो गया है। ये सेकंड बार मैं जो है चाय बना रही हूँ। चाय रख के थोड़ा सा मैं फ्रेश होके आती हूँ और पानी गर्म होने के लिए रखा है, नहाने जा रही हूँ। और उसके बाद मैं है आलू मटर की जो है यहाँ पे आलू रख रखी है, तो आलू मटर की जो है मैं पूड़ियाँ बनाऊँगी और चाय के साथ खाऊँगी। ये मेरा नाश्ता हो जाएगा और एक बार सुबह का चाय। और मैं जो है यहाँ पे लंच करने के लिए आई हूँ, छोले भटूरे खाने के लिए। पता नहीं यहाँ पे छोले भटूरे जो है खाने के लिए इतनी मशक्क़त क्यों करनी पड़ती है। 5 बजे से नंबर जो है लगाना पड़ता है। सुबह 5 बजे ये छोले भटूरे, यहाँ पे लोगों की बहुत लंबी लंबी लाइनें लगती है खाने के लिए। और आप यकीन नहीं मानेंगे, इस छोले भटूरे की शॉप को मोस्टली 15 साल होने वाले हैं और यहाँ पे लोग दूर दूर से छोले भटूरे खाने के लिए आते हैं। अगर आप पालम एयरपोर्ट वगैरह अगर जाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा फेमस छोले भटूरे की शॉप है और बहुत टेस्टी लगता है। यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा लंबी लंबी लाइनें लगती है, खासकर लंच टाइम में। और अगर आप 1 बजे 1:30 बजे के बाद आते हैं तो यहाँ पे छोले वगैरह सब फिनिश हो जाते हैं, बिल्कुल नहीं मिलते। फिर इनका दूसरा होटल है, वहाँ पे जो है फिर डिनर की तैयारी करते हैं ये लोग। और 5 बजे जो है इनका छोला भटूरे जो है शुरू हो जाता है। तो आप देख सकते हैं हमारा नंबर जो है 1:30 बजे तक आया था, जब निशु को स्कूल से हम लेकर आए थे। जब हमारा यहाँ पे नंबर आया था तो हम यहाँ से पहले खा के उसके बाद घर गए थे, क्योंकि फिर हम दोबारा आते तो हमें शायद नहीं मिलता। तो बहुत लाइन लगती है, बहुत ज़्यादा लाइन लगती है। तो बहुत अच्छा है, टेस्टी है, अगर आपको कभी खाना होगा तो बताऊँगी। ये सीढ़ियाँ जो देख रहे हैं ना, यहाँ पे पूरी लंबी लंबी लाइनें होती है। अब तो ओवर टाइम हो चुका है क्योंकि 1:45 होने वाले हैं। तो बस ओके। उसके बाद ये है मेरा नाइट डिनर का टाइम जो है। पहले तो हम जोमेटो से ऑनलाइन खाना मंगाते थे, इस बार हमने स्विगी ट्राई किया है और हमने जो है डिलेक्स थाली मंगाया है। और इतने सारे आइटम इन्होंने दिए हैं, प्लेन राइस और पुलाव और डबल तवा रोटी, बटर नान और दो जो है कई सारी सब्जियां इन्होंने दी है, गुलाब जामुन दिए हैं, दाल तड़का दिया है इन्होंने और राजमा दिया है इन्होंने और शाही पनीर दिया है। बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड किया है, रायता साथ में डबल रायता दिया है। तो हमने 2 डिलक्स थाली मंगाई है और हमारा जो है ऑर्डर था 300 का और ऑनलाइन ऑर्डर मुझे मिला है 50% डिस्काउंट। मैंने इसे पे किया है 149 का बैलेंस ऑनलाइन पे किया है। तो ये मुझे जो है खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा। और हम यहाँ पे काफ़ी रेस्टोरेंट जो है हम खाना ट्राई करते रहते हैं, हर जगह से हम खाना जो है ट्राई करते रहते हैं क्योंकि हम लोग खाने के थोड़ा सा शौकीन है। तो अगर हम जब भी खाना खाते हैं तो थोड़ा सा हर जगह पहले सर्च करते हैं कि कहाँ का क्या चीज़ अच्छा है, ऑनलाइन मंगाना है या रेस्टोरेंट जाके खाना है। तो हम इस बार स्विगी ट्राई किए हैं तो बहुत अच्छा है स्विगी। उसके बाद अगेन ओवरनाइट जो है मैं अपनी हेयर मसाज करने जा रही हूँ बालों को। और फिगारो का मैंने ऑयल लिया है, ऑलिव ऑयल, और ये विटामिन ई की जो है गोलियाँ हैं और इसे मैं ऑयल में मिला के अपने बालों पे मसाज करने वाली हूँ। और रात के बज रहे हैं 1:30 क्योंकि अब मेरा जो है नाइट रूटीन जो है चेंज हो चुका है। मैं थोड़ा सा ओवरनाइट जो है सो रही हूँ और कमर में काफ़ी मेरे पेन हो रहा है आजकल क्योंकि ऑर्डर जो है बहुत ज़्यादा है, शादियों का सीज़न है और बनाते बनाते मेरी कमर में वगैरह बहुत ज़्यादा पेन हो चुका है।
और फंक्शन वगैरह भी कंटिन्यू चल रहे हैं, मुझे फंक्शन वगैरह भी अटेंड करने पड़ रहे हैं, प्लस घर भी देखना है, निशु का स्कूल भी देखना पड़ रहा है। तो इस समय जो है मेरे ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो ब्लॉगिंग भी बहुत कम कर पा रही हूँ, तो इसके लिए सॉरी। पता नहीं ब्लॉगिंग कंटिन्यू अभी रख पाऊँगी कि नहीं, बट शेयर हर चीज़ करती रहूँगी, कोशिश मेरी यही है। तो अभी जो है ये विटामिन ई की जो गोलियां है, और मैंने पेपर कप लिया, पेपर कप अच्छा होता है, इजी, आप यूज़ करो उसे, फेंक दो। तो बस पेपर कप में मैंने ऑलिव ऑयल निकाला है, मसाज करूँगी। हेलो हेलो, अगेन मैं आ चुकी हूँ। बहुत लोग मुझसे पूछा है कि मैंने कौन सा ग्लू यूज़ किया है। आप देख सकते हो मेरे नेल्स पे कोई भी जो है नुकसान नहीं पहुँचा है, इजी जो है रिमूव हो चुका है फेक नेल्स जो था, इजी तरीके से निकल चुका है। देख सकते हो ये मेरा ओरिजिनल नेल्स है, और इसे मैंने बिल्कुल यहाँ से लास्ट से धीरे धीरे आप ऐसा निकालना कि आपका वो पूरा नेल्स निकल जाए, ब्रेक ना हो। चाहे तो आप उसे तोड़ भी सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो, चाहे आप काट के भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपने 2-3 दिन पानी में कंटिन्यू काम किया तो वो इजीली अपने आप जो है ग्लू को जो है वो रिमूव कर देता है। तो ये आप लोग अच्छे से देख लीजिए, ये हार्डवेयर की शॉप पे मिलेगा आपको, या ग्राफ्ट की शॉप पे भी मिल सकता है। ये है वो ग्लू, ग्लू का नाम है फ्लेक्स क्विक नाम है ग्लू का। और अगर आप लोग, ये 25 का आता है, अगर आप लोग इसे नहीं यूज़ करना चाहते, उससे भी इजी तरीके से अगर आप छुड़ाना चाहते हैं तो इसे आप लोग पहचानते ही हैं। तो ये है 5 रुपए वाला फेविक क्विक, और मैं जो है मोस्टली ये वाला ही ग्लू यूज़ करती हूँ, और जो हमारे नेल्स पे है कोई भी नुकसान नहीं पहुँचता है, बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा आपके नेल्स पे। आप इस चीज़ से मत डरिएगा कि ये चिपक जाएगा तो नहीं निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कॉन्फिडेंस रहेंगे तो आप निकाल सकते हैं। देखिए मैंने 2 दिन के बाद ही निकाल दिया, और मैंने नकली नेल्स लगा के इजी घर का भी सारा काम किया, और आज मैंने निकाला है इसे, थर्ड डे है आज, और मैंने इसे तीसरे दिन ही रिमूव किया है। मैंने 3 दिन तक अपने फेक नेल्स को रखे थे, और मैं जो चाहती तो इसे और टाइम रख सकती थी क्योंकि मुझे अच्छे लग रहे थे, लेकिन जो है मैंने उसे इजी तरीके से प्रॉपर निकाल के रख दिया। मेरे एक भी नेल्स ख़राब नहीं हुए, इजी तरीके से मैंने इसे इससे चिपकाया भी और रिमूव भी कर दिया है। तो ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल इजी तरीके से ये रिमूव हो गया है, बिल्कुल भी ब्रेक नहीं हुआ है। इसे मैं सेकंड टाइम भी यूज़ कर सकती हूँ। ये एज इट इज़ ही है, जैसे कि मैंने इसे अप्लाई किया था बिल्कुल वैसे ही मैंने निकाला है, और आपको दिखा देती हूँ मैंने जिस तरीके से यहाँ इसे यूज़ किया था यहाँ पे नेल्स पे, और बिल्कुल उसी तरीके से मैंने इसे रिमूव भी कर दिया है। और जब भी उखाड़े तो आप पीछे की तरफ से यहाँ से साइड साइड से धीरे धीरे उखाड़े तो इजी ये उखड़ जाता है। अगर आप 3-4 दिन पानी में काम किया तो ये हो जाएगा। और कोई पार्लर वाले का कोई ग्लू कैसा होता है मुझे नहीं आइडिया है, लेकिन ये मेरा आइडिया है, मेरा दिमाग है, और मैं जिस चीज़ में भी दिमाग लगाती हूँ तो वो सक्सेसफुल ही होता है। मैंने बहुत सोचा कि कहीं अगर ये नहीं उखड़ेगा तो एक्चुअली ये एक्सपीरियंस मेरा आज से नहीं है, मैंने बहुत लोगों के नेल्स आर्ट कर रखे हैं। मेरी शॉप है तो शॉप में फेस्टिवल में शादी के सीज़न में मैं बहुत ज़्यादा आर्ट करती हूँ। अभी भी मुझे कई सारे शादी फंक्शन के ऑर्डर मिल रखे हैं इस तरीके के चीज़ों का, और दुल्हन का भी ब्राइडल भी ऑर्डर आया है मेरे पास सजाने का, वो बुकिंग मैंने ले ली है, वो मेरे खास किसी की है। तो ये देख सकते हैं इजी तरीके से मैंने इसे आज निकाला है तीसरे दिन। देखिए कोई झूठ वाली बात नहीं बताऊंगी मैं आप लोगों को, और ऐसी कोई चीज़ नहीं बताऊंगी जिससे आप लोगों को नुकसान हो, बट आप लोग देख लेना कि आप लोगों को ये कंफर्टेबल लगता है तो ही यूज़ करिए। बस मैं आपको इजी तरीके से दिखा देती हूँ कि मैंने इससे ही लगाया था, और मैंने उससे भी ज़्यादा हार्ड ग्लू ये वाला यूज़ किया था, उसके बावजूद भी मैंने इस बार मैंने फेविक्विक जो है नहीं यूज़ किया मैंने, बट मैं ले के आई थी कि अगर ये काम नहीं करेगा तो मैं फेविक्विक से ही चिपकाने वाली थी, बट मैं हर बार फेविक्विक से ही चिपकाती थी। ये फर्स्ट टाइम इसे मैंने यूज़ किया है, इस वाले ग्लू को मैं अपने नेल्स के लिए फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया। मैं आपको प्रॉपर बता देती हूँ, इस वाले ग्लू को मैंने फ़र्स्ट टाइम अप्लाई किया था, अदरवाइज़ मैं काफ़ी टाइम से, 2 साल 3 साल से मैं
मैं भी क्विक ही यूज़ कर रही हूँ, और इजी ये चिपकता भी है और इजी ये निकलता भी है। और बस इस चीज़ का ध्यान देना है कि सिर्फ इतना बूंद इसमें, मतलब लिक्विड जो है ऐसा, बस आपके ये बीचों बीच पे ही आना चाहिए, इधर या इधर या इधर इधर नहीं निकलना चाहिए, आना चाहिए, नहीं तो आपको पता है कि ये इजी चीज़ों को चिपका देता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना केयर, मतलब केयरफुली आप इसको यूज़ करते हैं।